स्कूल, मेरा नाम सौरभ गोयल है। मैं आज लेके आया हूँ SSGE एग्जाम्स डिटेल्स। ये वही मेरा पार्ट वन एक पहला लेक्चर है, इसके बाद और भी दो तीन लेक्चर और आएंगे। इसमें हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड्स, इसका SSGE का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और कौन कौन से डिपार्टमेंट में पोस्ट आपको, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं आगे एग्जाम पैटर्न और डिपार्टमेंट्स। हम लोग देख रहे हैं SSGE एग्जाम पैटर्न। SSGE की एग्जाम पैटर्न क्या है, पहले बात बता दूं आपको, SSGE तीन स्ट्रीम के लिए ही होती है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन रहता है ऑब्जेक्टिव और पेपर टू रहता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ये रहता है कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर के ऊपर आपको एमएलबी क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके चार ऑप्शन रहेंगे, उसमें से सिलेक्ट करना है। वो टोटली आपके पास रहता है, आपको उसमें डिस्क्रिप्टिव यानी डिटेल में आपको उसमें आंसर लिखने होते हैं पेज में। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपको इसका जनरल होता है। पेपर वन में उसका पैटर्न क्या है, पेपर वन में पूछा जाता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। उसका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 50 मार्क्स होते हैं, जनरल अवेयरनेस में 50 मार्क्स होते हैं और जनरल इंजीनियरिंग, सिविल और स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल तीनों में से जो स्ट्रीम है आपका, ठीक है फ्रेंड्स, उसके 100 मार्क्स रहते हैं। तो पेपर वन में आपके रहते हैं 200 मार्क्स और आपका ड्यूरेशन रहता है 2 आवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये है पेपर वन की पैटर्न। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 50 मार्क्स आपको टोटली रीजनिंग का है फ्रेंड्स, और ये 50 मार्क्स जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, तो आपका जीके आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरल अवेयरनेस में ये सिर्फ चीज आती है, उसमें 50 मार्क्स रहता है और इंजीनियरिंग में 50 मार्क्स, यानी 200 मार्क्स का पेपर रहता है पेपर वन और उसका ड्यूरेशन रहता है 2 आवर्स। हम देखते हैं पेपर टू। पेपर टू है सब्जेक्टिव फ्रेंड्स, इसका जो पेपर टू है वो सब्जेक्टिव रहता है, वो 300 मार्क्स का रहता है। कोई भी जो स्ट्रीम है आपकी उसके हिसाब से ड्यूरेशन 2 आवर्स रहता है। जैसे पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग रहता है सिविल और स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट बी में रहता है जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए और पार्ट सी में रहता है जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए। तो समझिए कि आप सिविल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पार्ट बी एप्लीकेबल होगा और इधर सिविल और स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा। आपका इलेक्ट्रिकल का स्ट्रीम है तो आपका पार्ट बी रहेगा और मैकेनिकल का है तो पार्ट सी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है एग्जाम पैटर्न। अब हम देखते हैं डिपार्टमेंटल जॉब वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में रहती है जनरली, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कौन किस किस डिपार्टमेंट में जॉब होती है और कौन कौन पोस्ट एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉमन डिपार्टमेंट है जो एवरी ईयर आते हैं, बाकी और भी डिपार्टमेंट होते हैं लेकिन ये इनका फिक्स है, ये आना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला डिपार्टमेंट कौन सा है, सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है, इसको शॉर्ट में CWC बोलते हैं। कौन कौन एप्लीकेबल है, जेई सिविल और मैकेनिकल, जेई सिविल और मैकेनिकल वाले इसमें इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं वैकेंसी के लिए। सेकेंड है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD, जेई सिविल एंड मैकेनिकल। ठीक है फ्रेंड, थर्ड है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। उसके बाद है फराका बैरेज प्रोजेक्ट, जेई सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन DGFBR, जेई सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन CWPRS शॉर्ट फॉर्म है इसका, एप्लीकेबल है जेई सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, जेई सिविल एंड मैकेनिकल। एंड नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ये सब डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स, SSC फिक्स करता है आपको किस डिपार्टमेंट में भेजेंगे, वो फिक्स होता है आपके कट ऑफ के ऊपर। एज्यूम एक एग्जांपल ले रहे हैं फ्रेंड्स के, जो फाइनल कट ऑफ है वो 250 है। ठीक है फ्रेंड्स, कट ऑफ 250 है मींस लास्ट पर्सन होगा आपका, लास्ट स्टूडेंट उसका 250 होगा। ठीक है, तो जितना आपका कट ऑफ, जितने आपके मार्क्स हाई है उतने अच्छा डिपार्टमेंट आपको
एसएससी देता है, चूज करने का वो मिलता है, बाकी का तो लास्ट जो लास्ट रहता है कट ऑफ के आगे जो उसको एसएससी जो बचा बचा जो है डिपार्टमेंट उसमें देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है पूरा डिटेल हम एसएससी जेई का पार्ट वन का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पार्ट पार्ट टू में क्या क्या लाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट नेक्स्ट जो पार्ट रहेंगे हमारे उसमें आपका आएगा बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक पेज स्ट्रक्चर, एसएससी जेई एनालिसिस एंड एसएससी जेई सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। इसमें रहेगा स्टूडेंट अपीयर्स एंड सिलेक्टेड, और इसमें रहेगा जो सब्जेक्ट है उसका पूरा एनालिसिस। ठीक है फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट हमारे आगे आने वाले एसएससी जेई के वीडियो के पार्ट्स रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये है पूरा डिटेल। आप हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप नए व्यूअर्स हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे एसएससी जेई का पार्ट वन है, और ऐसे ही हमारे दूसरे भी वीडियो आएंगे। आपको हमारे और भी वीडियो देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और आई बटन ऊपर आपको वो भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।